एक थोड़ा सा आपसे सवाल ये है कि ये इट्स नॉट पॉलिटिकल। आज हम लोगों ने जो सेशन किया उसमें हम लोगों ने बात की विथ थाई सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि टू नो योर सेल्फ एंड अदर्स। हमें ये बताइए इम्तियाज साहब कि जब आप रफ़ी पट साहब को ढूंढने के लिए आपने रिसर्च अपनी स्टार्ट की, रफ़ी सब बट साहब को आपने 100% हिस्ट्री में से निकाल के सामने रख दिया, उस ड्यूरेशन में इम्तियाज रफ़ी साहब ने अपने आप को कितना परसेंट लाइक ढूंढा? क्योंकि यू वर इन स्ट्रगल ऑफ फाइंडिंग योर फादर। देखिए मेरे तो क्या उसने आपको सपोर्ट किया अपने आप को भी ढूंढने में, अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढने में, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को ढूंढने में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 40 साल की उम्र थी मेरी 30 years back जब मैंने अपने बाप पे रिसर्च की। उससे पहले मुझे उनकी डिटेल्स का नहीं पता था, सतह पे वालदा की बातें सुनता था बट मुझे हकीकत नहीं पता था कि उनकी एबिलिटी क्या है, कायदे आजम के साथ क्या कितना रिलेशनशिप है और पाकिस्तान बनाने में उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी जो आर्काइव से मिली और कायदे आजम के रिकॉर्ड से मिली। दैट आंसर्ड माई क्वेश्चंस कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, मैं क्यों नहीं मेरा दिल उधर लग रहा था, क्यों नहीं मैं एक आम दोस्तों की तरह गेम्स में इन्वॉल्व होता था और गेम को बहुत बड़ी चीज़ समझता था। तो दैट आंसर्ड माई क्वेश्चन। अच्छा मैं क्यों नहीं अपने मामू या चाचे की बात सुन रहा था, मुझे ये मैं छोटी सी उम्र में था तो मुझे लगता था ये बेवकूफ़ मुझे क्या बातें बता रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट मी। तो जब मैंने बाप को रिसर्च किया और पता लगा मेरी उम्र 40 साल थी, तब तक आई हैड मेड द काइंड ऑफ मनी दैट आई ड्रीम्ड ऑफ, जो मैं ख्वाब देखता था ना कि मैं इतना कि मैं लाइफ गुजार लूँ फाइनेंशियली, वो मैं गेन कर चुका हुआ था। जब गेन किया तो मैंने अपने बाप की रिसर्च पे शुरू किया, बिकॉज वैक्यूम फील हुआ। जब वैक्यूम फील हुआ तो मुझे बहुत सारे जवाब मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, क्योंकि मैंने लोगों को जब आज से 30 साल पहले इंटरव्यू किया उनके दोस्तों को लाइक शौकत याद, सरदार दौलताना और कई और बड़े लोग थे, तो उनकी जब बातें सुनता था, जो लिखी गई किताब, आते उनकी टेम्परमेंट उनका, उसमें बहुत सारा मेरे साथ मिलता था और मुझे वो जवाब मिला जो आप कह रही हैं कि अगर मैं रिसर्च ना बाप को करता तो मुझे आंसर ही ना मिलता कि मैं क्यों यूनिक हूँ फ्रॉम अदर पीपल। अच्छा यूनिकनेस तंग भी बड़ा करती है, बिकॉज बंदा अपने आप को अकेला बेवकूफ़ भी समझता है कि मैं गल सोच रहे हैं या कह रहे हैं तो अगला बांधे कोई नहीं पिया, वो भी अनलेस आप एक लेवल पे चले जाए या कॉन्फिडेंस आ जाए, उससे पहले तो आप यूनिकनेस डजंट गो। बिकॉज एक और चीज़ बता दूँ कि वो कहते हैं कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। रीज़न क्या है कि जब आप एक गरीब घर में पैदा होते हैं ना, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शंस वो चाहते ही नहीं कि आप आगे चले जाए, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शंस वो चाहते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, वो कहते हैं नाल ही रहे, नाल ही रहे, नाल दे मुझे नौकरी कर लेवे, नाल दे मुझे यह कर लेवे। अच्छा वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड आउट ऑफ जेन्युइननेस और इनएबिलिटी वो उसको राइज नहीं करने देते। सो इसके लिए मोस्ट पीपल हु आर बॉर्न पुअर डाई पुअर मोस्टली, वेयर एज अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। मैं यकीन रखता हूँ कि अगर कोई शख्स भी एक नॉर्मल माइंड की एबिलिटी है, नॉर्मल अब नॉर्मल ना हो नॉर्मल है, और वो डिवोटेड और डेडिकेट हो गया कि मैंने एक चीज़ ये करनी है और हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देता है, अपना प्लेजर, अपनी बीवी, अपने बच्चों का टाइम, ये वो उधर को जाता है, तो वो रोक ही नहीं सकता तो जीता है। बट होता क्या है, हम कहते हैं ना बस ना बस गल ही करते रहिए, आ जाए ना। आपकी 25 दिसंबर को आपकी इसकी बुक की इनॉग्रेशन हुई, हम आप लोगों को दिस इज द बुक चेना एंड रफ़ी पार्ट, ठीक है।
आप लोगों को ये मार्केट में अवेलेबल होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसको लेकर पढ़िएगा, हमने पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले हम सबके सामने आपसे अपोलोजाइज करते हैं, रबी साहब ने हमें इनवाइट किया और हम उमरा पे गए हुए थे और हम नहीं आ सके। चलिए वहाँ से आपकी दुआएं तो आती हैं। बिल्कुल, डॉक्टर नौरीन तलहा ने इस बुक में बहुत खूबसूरती के साथ कायदे आजम के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बयान किए हैं जिसको आई वॉज अमेज टू रीड, कि हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के करिकुलम्स में वो इंसिडेंट्स नहीं हैं जो उन्होंने किए। अच्छा, ये आपने इतने साल 40 ईयर्स के बाद आपने रफ़ी भट्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च की और आपने हिस्ट्री में से निकाल के ना सिर्फ उनको निकाला बल्कि किताबों में डाल दिया ताकि ये हमेशा चलता रहे। आपसे एक थोड़ा सा टफ सवाल करेंगे, एज अ मदर, व्हाई नॉट समथिंग अबाउट योर मदर, उनके बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा? ये थोड़ा सा हम बायस बात करें, बीइंग अ मदर हम बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, मजेदार बात की। दो चीजें हैं, एक तो याद रखें कि माय मदर डाइड व्हेन आई वाज 34 इयर्स ओल्ड, ठीक। सो मैं तो सही जिंदगी अपनी माँ के साथ ही गुजारी, तो आई न्यू हर, देयर वाज नथिंग टू डिस्कवर अबाउट हर, साथ था, प्यार था, मोहब्बत थी, सारा कुछ था, तो देयर वाज नथिंग टू डिस्कवर अबाउट हर। बाप को तो देखा ही नहीं था ना, और फिर उसकी तारीफ सक्सेस की सुनता था, तो मैं लड़का था, सक्सेस पे मैं एक्साइट होता था कि मेरा बाप बड़ा आदमी था या बड़ा ये था। तो माँ तो घरेलू थी और बहुत समझदार थी, जिसने ये सारा कुछ संभाला। अच्छा, माँ पे मैं जेन्युइनली कभी बोला भी नहीं, क्योंकि हमने आपके कैसे इंटरव्यू में नहीं देखा, कभी बोला भी नहीं। उसकी वजह है कि आई हैव नथिंग टू से मोर देन शी वाज अ ग्रेट मदर, उसने हर चीज़ सेक्रीफाइस की मुझे ब्रिंग अप करने के लिए। वो मेरे ख्याल 27 साल की थी जब बेवा हो गई, बहुत हुसीन खातून थी मेरी वालदा और बहुत बड़े आदमी की बीवी थी, उनको बहुत बड़े रिश्ते आते थे और सब कुछ था, बट शी नेवर वांटेड टू गेट मैरिड बिकॉज वो इनसिक्योर थी कि मैंने अपने बेटे को पालना है। तो वो एक माँ वाली कहानी है उसकी, तो उस पे मतलब कहने का हम लोग उसको ज़रूर चाहेंगे कि आप उसको पब्लिश करें, जस्ट फॉर दोज फीमेल्स जो अपने बच्चों को बहुत टफ टाइम में नर्चर करती हैं, तो उनके लिए एक ये आप समझ लें एक जी शो। अब आप लोगों से हमने ये पूछना था कि आप लोगों में से अब जिसने भी क्वेश्चंस पूछने हैं प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं है, नहीं, ये हमारी सोसाइटी में लोगों को अजीब सी फीलिंग डालने लग पड़ती है, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उनके बारे में, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सर आपने कहा कि मैं अमेरिका चला गया, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आपने वहां से आपका जो कमेंसमेंट आपका स्टार्ट हुआ सीखा वहां पे, तो ये तो सर मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी हुआ ना, हर बंदा पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकता। जो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इन सारी क्वालिटीज कई ऐसे ऐसे लोग भी मैं देखता हूँ, मैं लाइफ में मिलता हूँ लोगों से और मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं छोटी सी अभी एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर, मैडम ने मुझे लोकेशन सेंड की थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैं लोकेशन को ऑन नहीं कर सका, तो मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस बंदे से मैंने एड्रेस पूछा था, वो मेरा जाने वाला था, वो इलिटरेट पर्सन है, वो 5 क्लास का भी ना पढ़ा, उसने मुझे एक एक चीज़ बताई कि अब यहाँ पर पेट्रोल पम्प आएगा, फलां जगह आएगी, पार्क आ गया, अभी तो इशारा आएगा। तो मैंने कहा मैंने टेलीफोनिंग करी, मैंने उससे पूछा कि आप कहीं यहाँ पर आए हो, कहता नहीं मैं घूम रहा हूँ। तो मैंने कही सारी चीज़ें क्या याद कर ली, कहता बस मुझे उसने एग्जैक्टली मुझे बताया कि अब ये इशारा आ गया, अब इधर मुड़ेंगे, चैन बात, ये सारा कुछ करा। टैलेंट बहुत है लोगों में, ये चीज़ें
थी, लेकिन सर मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर बंदे को ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं होती जो आपको हुई और आप एक कामयाब मैं जवाब देना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है। मैं $1,000 लेकर न्यूयॉर्क गया 74। $1,000 इज वेरी लिटिल मनी, नो एड्रेस, नो कॉन्टैक्ट, नो नथिंग, और $1,000 ले लिया, ठीक है। और उस जमाने में रिटर्न टिकट लेकर जाते थे तो वीज़ा लगता था, तो रिटर्न टिकट मैंने वापस अपने घर भेज दी थी कि इसको कैश करो कि मेरे पास टिकट वापस जाने की हो रहा। एक दोस्त था मेरे साथ, ठीक, मैं तो भाई एयर चले गया $1,000 इकट्ठा करके। वो भी तो लोग हैं जो समुद्र अपने बोटों में जाते हैं, आधे समुद्र में गिर जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। अपॉर्चुनिटी तो वो भी लेते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी लेते नहीं, बोल्डनेस नहीं होती, बोल्डनेस नहीं होती। बोल्डनेस हो, अपॉर्चुनिटी हर वक्त हर इंसान के लिए है, प्रोवाइडेड वो ये फैसला कर ले कि मैंने अवेल करनी है और बाकी सब कुछ सेक्रीफाइस करना है। अच्छा, अब कहाँ पे आप गलत हो जाते हैं? आप कहते हैं मैं सेक्रीफाइस किस करा, मेरी माँ बीमार है, उन्होंने मेरी जरूरत है, मेरा प्यो नहीं मुझे जान देता पिया, वो ऐ कह रहे। ये आप ये चीज़ें आपको रोक लेना पड़ती है, ठीक। बट अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए डिटर्मंड हैं फिर ये चीज़ें रोकेंगी नहीं और आप अचीव कर लेंगे। मैं 20-21 साल का था तो मेरी माँ चाहती थी मैं शादी करूँ, मेरी शादी हो जाए। गौर माएँ होती हैं जिस तरह किसी और ना चले जाए, उधर ना चले जाए। मैं 35 साल से शादी की थी बिकॉज वन पॉइंट एजेंडा था कि आई विल ओनली गेट मैरिड व्हेन आई एम फाइनेंशियली ऑन द टॉप ऑफ माई सेल्फ, अदरवाइज मुझे शादी ड्रैग नीचे ना कर जाए। फोकस्ड होना पड़ता है। अच्छा सुहेल, एंड सैक्रिफाइस एंड बोल्डनेस। अच्छा, जो बोल्ड नहीं है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। सुहेल, यहाँ पे हम आपको एक चीज जरूर बताएंगे, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने जब एजुकेशन सेक्टर में हम गए तो हम पहले एज एन असिस्टेंट टीचर लगे, फिर हमने जब दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो हम एज ए टीचर लगे। अब अगर हम आपको अपनी रूटीन बताएं, हम सुबह स्कूल के टाइम से लाइक 5 बजे सुबह उठते थे, 7 o'clock हमें स्कूल पहुंचना होता था, उससे पहले हम लाइक 5 o'clock उठ के सारी प्रिपरेशन करके 7 o'clock एग्जैक्टली हम स्कूल पहुंचते थे, 2 o'clock तक वहां पे रहना, उसके बाद हम बाकी सारी टीचर्स चली जाती थी, ठीक है। हम अपने कंफर्ट जोन से निकले, क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू गो ऑन द टॉप हमारे अपने फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में। हमने वहाँ पे बैठ के अपने सारे काम किए जो नहीं आती थी चीज़ें, लर्निंग की, एक्स्ट्रा डिग्रीज ली, सर्टिफिकेशन किए, ठीक है। लाइक 24 आवर्स में हार्डली हमारे पास 5 घंटे होते थे सोने को, ठीक है। अब वो क्या था, स्टेप्स लिए फियर से निकल के। जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो पहली चीज़ आपको होती है कि अच्छा क्या होगा, ये फियर है। जब आप उसको छोड़ देते हैं ना कि जी क्या हो सकता है, इसको इस तरह करके आप लेते हैं, तो फिर आप वहाँ से अगला स्टेप लेते हैं। फिर आपको जो इम्तियाज साहब ने बात की, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। डेफिनेटली हमने अपने बच्चों की बर्थडेज को सेक्रीफाइस किया, हमारी फैमिली में फंक्शंस आते थे, वेडिंग्स आती थी, पता नहीं क्या कुछ होता था। लाइक सबको एक चीज कॉमन पता था कि जी कुछ भी होगा इवेंट सलवा वहाँ पे नहीं होगी। फॉर ऑलमोस्ट 16 years के करियर में हमने 10 साल अपने हर चीज से कट ऑफ करके किए, क्यों? क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप। हम फोकस्ड हो गए, हमने टारगेट रख लिया कि जी हम जब तक इस फील्ड में टॉप पे नहीं जाएंगे हमने कोई एक्टिविटी को नहीं देना। और फिर अब हमारे साथ वे जो टीचर्स थी वो 5-5 साल पुरानी, 7-7 साल पुरानी, लेकिन क्या हुआ जब आपकी एवेल्यूएशन आई तो दे सिलेक्टेड मी एज अ सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर। वहाँ से फिर कोऑर्डिनेटर पे गए, वहाँ से फिर प्रिंसिपलशिप पे गए, क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी अब उनको नहीं थी, हम सबको एक जैसी थी ना, एवेल्यूएशंस भी जा रही है, सब कुछ जा रही है। लेकिन आपको लाइफ में याद रखिएगा, कुछ भी अचीव करना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस।
इम्तियाज रफी साहब की एक चीज हम आपको बताते हैं जो शायद आई डोंट नो इन्होंने बाकी सबसे शेयर की। एक दफा हम बैठे हुए थे, उन्होंने हमें कहा कि सलवा एक टाइम मेरे ऊपर ऐसा आया कि मैं यूके बैठा हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग चल रही थी, ठीक है, फाइनेंसिस आपके लगे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज आया कि जी रिसर्च में ये चीज़ चाहिए, अपने फादर के रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने वो सारी चीज़ उस वक्त सेक्रीफाइस की और मैं चला गया अपने फादर के रिसर्च के प्रोजेक्ट पे। आज अगर इन्होंने कुछ किताबें लेकर आया मार्केट में तो वो सेक्रीफाइसेस थे जो उन्होंने कहीं ना कहीं किए। क्यों? ही वॉज फोकस्ड कि अब पैसा कमा लिया, अब मैंने यहाँ से आगे क्या करना है, अपनी चीज़ों को आई हैव टू फाइंड आउट माई ओन सेल्फ, जिसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की। एक्चुअली फोकस के बाद डिवोशन हो जाती है। बिल्कुल, फोकस पहले फोकस करता है, फिर डिवोटेड हो जाता है, फिर एडिक्टेड हो जाता है बंदा उस चीज़ के साथ। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि खौफ से ना डरें, फेलियर से ना डरें। वो सबसे ज़्यादा हम डरते हैं फेलियर से, फेल हो जाएंगे, और सबसे लर्निंग वहीं से होती है, लर्निंग और खौफ से। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, 5 साल पीछे जिन चीज़ों से आपको खौफ था, जिस चीज़ में खौफ था 5 साल लेने पीछे, कागज़ पर लिख लें, उनमें से 1-2% भी वो खौफ रियलिटी नहीं बने, खौफ खौफ ही रहे। सो खौफ, एक तो खौफ हमें रोकता, खौफ नहीं होना चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए, ये करेक्टर के स्ट्रेंथ्स होते हैं।